हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स्थ हमारे अतीत पुस्तक का अध्याय क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें पढ़ेंगे। इसके हम मेन मेन पॉइंट्स जल्दी से डिस्कस करेंगे। पुस्तकालय में मैरी एक पुस्तकालय में होती है। पुस्तकालय लाइब्रेरी जिसे हम बोल देते हैं, वहाँ पर होती है, तो वहाँ किताबों से भरी हुई होती है। अध्यापक उसे वहाँ पर ले जाते हैं तो अलमारी खोलने की कोशिश करते देख कर शिक्षक कहते हैं कि अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है हमारे पास वेदों का एक संग्रह भी है। तो मैरी सोचती है वेद क्या है, चलो पता लगाते हैं वेद क्या है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अब है वेद कितने हैं, तो वेदों की संख्या चार है, ये इनके नाम है। और सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। अक्सर ये प्रश्न आ जाता है, ऋग्वेद की रचना कब हुई, तो 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, ये भी प्रश्न आता है। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। स्तुति क्या होता है, प्रशंसा। इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसका एक खास पेय बनाया जाता है। पेय क्या होता है, पीने वाला पदार्थ। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की, ऋषियों ने। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, कंठस्थ याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, तो सूक्त की रचना किसने की थी। कई बार ऑप्शन में आ जाता है पुरुषों ने, स्त्रियों ने, या पुरुषों और स्त्रियों दोनों ने, तो पुरुषों ने भी की थी, स्त्रियों ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो तुम स्कूल में संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में दे रखा है। अब है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। अब आजकल तो लिखी और छपी हुई किताबें हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, उन्हें बोला जाता था और सुना जाता था, न कि पढ़ा जाता था। किताबें नहीं थी पहले, लिखी हुई नहीं थी। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो ऋग्वेद की छपाई का काम कब हुआ, 200 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की सहायता से अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। वार्तालाप यानी बातचीत आपसी के रूप में है। विश्वावित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों को मानचित्र एक पृष्ठ दो में खोजें और फिर पढ़ें। अब ये देखिए, ये पहले की भाषा प्राक भाषा है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये हम तो नहीं पढ़ सकते ना, उस समय की भाषा। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और यह पांडुलिपि महाराष्ट्र पुणे के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो ऋग्वेद की पांडुलिपियाँ कहाँ सुरक्षित है, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में पुणे में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियों के बीच में संवाद, यानी आपस में कैसे उनकी बातचीत होती है। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से सवूर तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ क्या कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें।
नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ यह नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते होंगे कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण होते थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया गया है। रथों, गाड़ियों, इसमें दिया गया ना। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो मानचित्र एक को देखकर ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी कौन होते हैं? पशु। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने में काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों में वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी और अच्छे चारागाह हों या जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। लोगों को भी पहले बंदी बनाते थे काम के लिए, दास बनाकर रखने के लिए। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी या आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी। आहुति देना मतलब यज्ञ में जला देते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो सरदार तो वही चुना जाता है जो बहादुर और कुशल हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। काम के आधार पर तो पुरोहित का क्या काम था? ब्राह्मण, जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, आज भी करते हैं ना। तो दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अभी देखो, हमने राजा यही पढ़ा कि शासक बन जाता था। नहीं, इसमें देखो कैसे बनता था राजा। पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, तो जनता के लिए जन का प्रयोग। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द से निकला। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी, वो हम आगे 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भारत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। इनमें से तुम्हें कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। दास या दस्यु कौन थे? जो यज्ञ नहीं करते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, तो बाद में क्या हो गया? दास का मतलब हमने गुलाम से ले लिया, गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक करना चाहते थे वे सब उन्हें करना पड़ता था। जैसे आज हम नौकरों से करवाते हैं, उसी तरह उनसे भी बुरी हालत थी। नौकर आजकल आज़ाद तो हो जाते हैं ना, अपनी मर्जी से काम छोड़ कर चले जाते हैं। वो तब छोड़ नहीं पाते थे, उनके गुलाम हो जाते थे वो। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानियों महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी बड़ा, पाषाण पत्थर, बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं।
ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरस्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, ये दिख रहे हैं आपको चित्र में, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है कि जो जमीनों के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुओं को दफनाना। इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेडवेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ये साथ दबा के आते थे लोग। ये उनकी हैसियत को दर्शाता था कि जो जितना बड़ा सरदार है, जितना बड़ा व्यक्ति है, उतना ज़्यादा सामान होता था। लोगों की मान्यता थी कि मौत के बाद जीवन होता है तो वहाँ पे इनके साथ काम आएंगे। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे से कटार, ये चित्र दे रखे हैं जो जो मिले हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। सामाजिक असमानता, समाज में कौन गरीब था, कौन अमीर था। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मैंने आपको पहले ही समझाई ये बात। मानचित्र 2 पृष्ठ पर ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब थे, कुछ सरदार थे और कुछ दूसरे अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया। बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। पत्थर जो है या चट्टान चिन्हों का काम वहाँ पे लगाते थे कि दोबारा वहीं पे आएंगे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ व्यस्क लोगों को प्राय गड्ढों में सीधा लटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानियों दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। तो इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। तो तुम्हें मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। तो बिल्कुल यह सरदार का शव था, क्योंकि उस बहुत बड़ा घर था और उसके पास कुछ सामान भी मिला है। 5 कमरों वाले मकान आंगन था, 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल में कोई फर्क नहीं होता था। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कैसे लगाएंगे? देखो, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। उस समय में क्या होता था, पुरुष भी गहने पहनते थे, तो हो सकता है वो पुरुष का भी हो, तो इस बारे में कोई धारणा स्पष्ट नहीं हो सकी है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है उसकी हड्डियों की जांच है, क्योंकि महिलाओं को बच्चों के जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या
कुल्ला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है, तो इससे भी पता चलता था स्त्री का है या पुरुष का है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी। अब ये प्रश्न कई बार आ जाता है हमारे जो पेपर होते हैं ना उनमें, तो चरक संहिता पुस्तक किसने लिखी? चरक नाम के वैद्य ने। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उनकी स्त्री इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? उन्होंने, वो वैद्य थे, उन्होंने कर ली किसी तरह से। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तेल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गायें, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्रित की जाती थी। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। उस हिसाब से हम बना सकते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा। अन्यंत्र, एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ लेखन कला की कला के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। तो चीन में लेखन कला के उदाहरण 3500 साल पहले से ही पाए जाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते होंगे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसल अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? क्या इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था जहाँ इनकी गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा तुम शायद सोच रही होंगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते होंगे गलतियाँ। तो क्या भविष्य कोई सही बता सकता है? कुछ नहीं बता सकता कोई। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताओ। भाई अब कल्पना करो, तुम 3000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात को सरदार की मृत्यु होगी। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो। अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है और तुम्हें क्या लगता है कि खाने में क्या दिया जाएगा? उस समय की फसलों को देखो, उस समय के कंकालों के बारे में देखो कि क्या क्या उसके अंदर दफनाया गया था साथ, और इस आधार पर तुम बताओ। ये उपयोगी शब्द हैं, ये सब हमने चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। तो अब हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, कुछ इसके अंदर महत्वपूर्ण तिथियां भी हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो इसकी हम अब एक्सरसाइज करेंगे।